माय चैनल फन विद प्रियंका में मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ कोई ब्लॉग नहीं, आज लेके आई हूँ थोड़ा स्किन केयर के एक छोटा सा टिप्स बोल सकते हो। तो पहले दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये जो चीज देख सकते हो आप लोगों को क्या लगता है ये क्या है, किसका वाटर है या क्या कौन सा चीज से बनाया हुआ है? तो मैं ज्यादा देर ना करके आप लोगों को बोर ना करके चलो इस वीडियो को शुरू करते। तो आप लोग सोचते हो क्या जापानीज या चीन का जो लड़की या लड़का जो भी हो उन लोगों का स्किन इतना ज्यादा फ्लॉलेस, इतना मतलब ब्राइटनिंग शाइनिंग कैसे होता है, वो लोग क्या खाते हैं ऐसा कि उन लोगों का स्किन इतना ज्यादा ग्लॉसी, मतलब हम लोग चाहते हैं कि काश हम लोगों का भी स्किन ऐसा होता, काश हम लोग भी इसके जैसे होते उसके जैसे होते। लेकिन हम लोगों की दुनिया में तो हर तरह की हर तरीके की पिंपल, एक्ने का प्रॉब्लम, डार्क सर्कल, सब कुछ का प्रॉब्लम होता है। तो क्या करूं, हम लोग बहुत सारे चीज मार्केट से खरीदते हैं, वो तो है मार्केट के चीज, जैसे कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है, किसी किसी का सूट करता है किसी किसी को सूट नहीं करता है। उसी तरह ही आपको ये भी देना बहुत जरूरी है, किसी किसी प्रोडक्ट का प्राइस है इतना इतना हाई जो सब लोगों को पॉसिबल नहीं होता यूज करना। लेकिन सब कोई घर घर में सब लड़की को तो मन में यही रहता है हर कोई देखने में अच्छा हो या हीरो हीरोइन की तरह, उनका उसका स्किन जो है उतना ही शाइनिंग ब्राइटनिंग बहुत सुंदर हो। तो आज मैं आप लोगों को वही चीज बताऊंगी, एक छोटे से टिप्स बताने आई हूँ तो आप कैसे घर के ही सामान से आपके स्किन को और भी ग्लोइंग शाइनिंग बना सकते हो एकदम उन लोगों की तरह जो जैपनीज या चाइनीज लोगों का स्किन होता है। हम लोग हर घर में राइस तो रोज ही पकाते हैं, जैसे बंगाली के घर में तो हर रोज ही राइस पकता है और कुछ कुछ लोगों के घर में कोई कभी कभी दो बार तीन बार चार बार राइस तो हमेशा ही पकता है। और हम लोग क्या करते हैं, राइस को जब पकाते हैं राइस को एक कटोरी में लेके अच्छे से धो के उसको उबाल देते हैं, देन हम लोग उसका जो पानी है वो भी फेंक देते हैं, राइस को पहले वॉश करने के बाद भी वो पानी भी फेंक देते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या पता है जो पानी हम लोग फेंक देते हैं राइस को वॉश करने के बाद वो हमारे त्वक के लिए हमारे हेयर के लिए भी, लेकिन मैं हमारे स्किन के बारे में बोल रही तो हमारे स्किन कितना ज्यादा जरूरी है। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है और कुछ कुछ लोगों को ऑब्वियसली पता है, यूट्यूब में अगर वीडियो है इतना सारा तो जरूर पता है, लेकिन मैं जिन लोगों को पता नहीं है उसके लिए बता देती हूँ। ये राइस वाटर, इसको आप इजीली फेस पे टोनर के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। जब अब मेकअप कर हम लोग मार्केट से बहुत सारा दाम दे के लेके आते हैं फेस के टोनर, तो आप इजीली ये टोनर हिसाब से ही यूज कर सकते हो घर पे फेस के ऊपर। और आपका जब मन करे, आपको थोड़ा गर्मी लग रहा है या कुछ भी मूड ने थोड़ा फेस में थोड़ा स्प्रे कर दो, देन 30 मिनट ऐसे ही फेस पर ही सूखने दो, देन इसको क्लीन कर लो तो आपको ये टोनर के जैसे ही काम करता हुआ मिलेगा। और एक बात, ये जो राइस वाटर है इसमें आपको कोई फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इचिंग या कुछ भी नहीं होगी। ये सिंपल से एक पानी है, इसको अगर अच्छे से पूरा दिन, ऐसे तो आप लोग को मैं आज बता रही हूँ तो एक दिन यूज करो देन खत्म कर दो ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको ये कंटिन्यूअस यूज करना पड़ेगा। कुछ को एक चीज को अगर आप यूज करो तो उसको तो थोड़ा काम करने में टाइम लगता है, आप यूज करके देखो देन बताना। और ये चीज सिर्फ आपके स्किन को शाइनिंग ग्लोइंग नहीं करेगी, आपको अगर एक्ने का प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल है या कुछ भी है, आपका स्किन का जो पोर्स है वो भी अच्छे से खुल जाता है। तो आप लोग अगर चाहो तो ये यूज कर सकते हो, जैसे मैं ये यूज करती हूँ।
तो चलो बहुत सारे बातें बोल दियो, अब मैं दिखाती हूँ ये आपको कैसे बनाना है। इधर पे कांच की बोल पे थोड़ा सा चावल ले लिया हो, देख सकते हो आप लोग जो भी राइस खाते हो उसका ही चावल आप ले सकते हो। इधर मैं थोड़ा सा ही ले लिया एकदम। तो इधर मैं अब डालूंगी ये पानी, चावल को डाल दिया। चावल को मैं इस पानी में नहीं भिगाऊंगी, चावल को पहले दो बार अच्छे से धो लेना है। इसको हाथ से ऐसे ऐसे करके अच्छे से धो लेना है, जैसे हम लोग राइस पकाते हैं उसके पहले राइस को अच्छे से धो लेते हैं, वैसे ही इसको भी धोना है। दो बार इसको अच्छे से धोने के बाद इसमें फिर से आपको पानी देना है और ऐसे ही चावल को पानी में ऐसे ही आपको 30 मिनट या एक दो घंटे के लिए भी ऐसे छोड़ सकते हो। तो दो तीन घंटे या आपके पास जितना टाइम है उतने देर में आप देख सकते हो ये पानी जो है थोड़ा व्हाइट व्हाइट हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को अभी करके दिखाया कैसे आपको राइस वाटर बनाना है। तो ये मैं आज सुबह ही बनाया है, देख सकते हो इधर इस बोतल का जो पानी है थोड़ा व्हाइट व्हाइट हो गया है, गाढ़ा गाढ़ा है। तो इसको आप इजीली स्टोर करके भी रख सकते हो एक हफ्ते या दो हफ्ते तक फ्रिज में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको अब क्या करना है, इसको इसके ढक्कन को खोलना है और इसको अपने फेस पे ऐसे स्प्रे करना है। बस स्प्रे करके आपके फेस को ऐसे ही रखना है जितने टाइम तक ये ऐसे ही सूख ना जाए फेस के अंदर, और 30 मिनट या ये सूखने के बाद आप लोग अच्छे पानी से फेस को क्लीन कर लो। बस इससे क्या होता है आपका फेस दिन ब दिन ग्लोइंग होते रहेगा और आपका जो एक्ने का प्रॉब्लम हो या पिंपल का प्रॉब्लम हो सब कुछ इजीली दूर हो जाएगी। और ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, आप लोग ये जो टिप्स है ये जरूर घर पे ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना। और एक चीज, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक चीज, आप लोगों के पास अगर ऐसे बोतल ना हो तो आप लोग कॉटन से भी यूज कर सकते हो अपने फेस में इजीली। तो आप लोग घर पे ट्राई करो, कैसा लगा मेरा ये टिप्स, आई होप अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप लोगों को और एक चीज बताना है, आप लोग प्लीज अगर ये चीज यूज करना शुरू करो तो थोड़ा टाइम लेके शुरू करो, मतलब थोड़ा ज्यादा दिन यूज करो, एक दो मंथ यूज करो, देन ही आप लोगों को उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही।